guys, this is Manisha Yadav. So today's topic is regarding to how to design a dining table in Revit architecture. यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको एक जो हमारा डिज़ाइन है डाइनिंग टेबल का वो मैंने शो किया हुआ है. आज हम उसी पे वर्क करने वाले हैं कि अगर इस तरीके से आपको जो टेबल है, जो चेयर्स हैं, वो अपने डाइनिंग टेबल की डिज़ाइन करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, देन गो टू रेविट आर्किटेक्चर. अगर मुझे यहाँ पे टेबल मतलब फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनानी है तो मुझे उससे रिलेटेड टेम्पलेट में जाना होगा. सो फर्स्टली फाइल के अंदर चलते हैं एंड देन गो टू फैमिली. फैमिली में आपको यहाँ पे मेट्रिक फर्नीचर के नाम से एक टेम्पलेट होगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करके ओपन करना है. ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक प्लेन नजर आएगा, वहां पे हमें बनाना है. जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको चेयर बना के दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए. जैसे चेयर का जो डिजाइन है वो कुछ इस प्रकार से होगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है. सो मैं चलती हूँ अपने रेफरेंस प्लेन के ऊपर. रेफरेंस प्लेन में हमारा होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं उसका बैक बनाना चाहूंगी तो मैं लेफ्ट व्यू यहाँ पे ले रही हूँ. जो भी आपकी यहाँ पे चेयर की हाइट होती है, टेबल की हाइट होती है, चेयर की विड्थ होती है, तो वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको रैंडम जो साइज है वो लेके और फिर बनाना सिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपना साइज ले सकते हैं. सो मैं यहाँ पे चलती हूँ एक्सट्रूजन में. एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे जो हाइट है वो मुझे यहाँ पे लेनी है, दिस वन, इतनी तक हाइट मुझे लेनी है, ठीक है. और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ हमारी स्प्लाइन का. सॉरी, जस्ट अंडू एक्सट्रूजन स्प्लाइन. जैसे मुझे इस हाइट की बनानी है, बहुत ही जूम करके, हम थोड़ा जूम करके काम कर लेंगे इस पे. थोड़ा जूम कर लेते हैं. ये लीजिए, इस तरीके से मैंने बनाया. देन उसके बाद मैं इसको ऑफसेट कर लेती हूँ. थिकनेस में इसकी 20 ले रही हूँ, 30 ले लेते हैं. से दिस वन लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर देते हैं. सॉरी, यहाँ पे ऑफसेट लगा हुआ है, 0 कर दीजिए इसको एंड देन ज्वाइन कर दीजिए. ज्वाइन करने के बाद चेक कर दीजिए. अभी हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा. जितनी विड्थ का आपको चाहिए उतनी विड्थ आप यहाँ पे बना सकते हैं. यहाँ से होने के बाद आपको इसके अंदर कटिंग करनी है. किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से, ठीक है. तो कटिंग करनी है तो मैं चलती हूँ अपने फ्रंट में. फ्रंट में जाने के बाद कटिंग करनी है तो मुझे वॉइड एक्सट्रूजन का यूज करना होगा. जितने भी डिस्टेंस पे आपको यहाँ से ऑफसेट लेना, ऑफसेट ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ इतने साइज की यहाँ पे ओपनिंग करना चाहती हूँ. ओपनिंग मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से हमारा ओपन नहीं है बिल्कुल, तो मैं इसको ज़रा मूव कर देती हूँ नीचे. जितने भी डाउन में 60 नीचे मूव किया है एंड देन उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके मिरर करवा दिया. इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा, राइट. देन उसके बाद मैंने इसको चेक कर दिया. बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ पे हम लोग 3D कर देते हैं, बाहर क्लिक करके देखते हैं रियलिस्टिक में. तो आपको नजर आएगा कि कट नहीं हुआ है. यहाँ पे एक तरीके से ये कट नहीं हुआ है, मुझे कट करना है. तो सो हम इसको कट कर लेते हैं. कट ज्योमेट्री सेलेक्ट एंड देन सेलेक्टेड, राइट. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कट हो जाएगा. कट होने के बाद में आपको इसके ऊपर जो सिट बैठने का जो है वो बनाना है। उसके लिए मैं वापस लेफ्ट हैंड साइड में जा रही हूँ, जो हमारा लेफ्ट व्यू है। इसमें जाने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूजन लेती हूँ एंड देन मेरे को जिस भी हाइट के ऊपर बैठने का बनाना है मैं उसी हाइट के ऊपर यहाँ पे बैठने का बना देती हूँ। राइट, जितना भी लंबा चाहिए उतना ही लेंथ का ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको चेक किया है, चेक करने के बाद यहाँ पे इसको ज़रा सा ऊपर कर लेते हैं। जिस भी हाइट पे आपको चाहिए उसी हाइट के ऊपर आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एडिट करना चाहिए एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ज़रा थोड़ा आर्क से यहाँ पे माइनर बना देती हूँ। और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देती हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, देन चेक। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर आपका यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ये बनने के बाद अब आपको इसके जो पैर है वो बनाने हैं, लेग्स जो है वो बनानी है। जैसे मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ, ठीक है। अभी लेग्स बनाने का है तो आपको वापस एक्सट्रूजन में जाना पड़ेगा। जिस भी विड्थ का बनाना है वही विड्थ आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी यहाँ पे है, एग्जाम्पल के लिए मैं 40 एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं हम। नाउ चेक करने के बाद में मैं इसका यहाँ से 3D व्यू करती हूँ। तो ये हमारी इस तरीके से, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ये देखिए ये हमने बनाई है और ये चेक किया। अब मैं इसका यहाँ से 3D व्यू कर लेती हूँ, ये देखिए। ओके, अब ये टेबल जो चेयर है ये हमारी बन गई है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मटेरियल अप्लाई करना है। मैंने सेलेक्ट किया, सबको मत सेलेक्ट करना, एक्सट्रूजन्स को सेलेक्ट करना। उप्स, सॉरी, सेलेक्ट कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट। ओके, देन गो टू, यहाँ पे पैरामीटर ऐड करना चाहिए, आप पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने किया मटेरियल, ओके, मटेरियल करके मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मटेरियल दिखेगा, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और अपना जैसा मटेरियल आप लगाना चाहें वैसा मटेरियल आप लगा सकते हैं। आप खुद का भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे कस्टमाइज करके जैसे कलर वगैरह से रिलेटेड या फिर इमेज से भी बना सकते हैं। तो अगर उसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे हम चलते हैं एंड देन मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखिए। राइट, अब ये हमारी चेयर बन गई है तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर CTRL-1 करके मैंने सेव कर दिया। क्लियर, बाकी सारे टैब्स को मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है चेयर का वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। नाउ अब चेयर का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, देन चलते हैं हम टेबल की तरफ। अब यहाँ पे चलते हैं फैमिली, सेम फैमिली, मेट्रिक फर्नीचर, ओपन। ओपन में जाने के बाद अब आपको टेबल जो है किस तरीके की, ऐसे क्रॉस लेग्स वाली बनानी है। राइट, अब इसका जो बेस जो टॉप है वो तो सिंपल है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप ग्लास देना चाहें तो ग्लास भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसका सिंपल, तो इसका जो टॉप है वो तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन का यूज कर लेती हूँ। नाउ मैं इनको एनोटेट करके इक्वलिटी कॉन्स्टेंट अप्लाई कर देती हूँ। ओके, नाउ अगर आप इसकी लेंथ विड्थ को भी पैरामीटर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं पैरामीटर डाल देती हूँ लेंथ, इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके पैरामीटर डाल देती हूँ विड्थ। ओके, तो ये लेंथ और विड्थ हो गई। आप इसको जाके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं कह देती हूँ कि लेंथ तो मुझे इतनी चाहिए होगी और विड्थ मुझे करीब करीब लाइक गो टू 650 राइट, ऐसे करके चाहिए होगी। आप थोड़ी कम भी दे सकते हैं ऐसे। ओके, अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक एरिया आ गया है जिसके अंदर मुझे बनाना है एक्सट्रूजन। ये लीजिए, ओके, ये आपको यहाँ पे चेक कर देना। चेक करने के बाद में हम चलते हैं एलिवेशन में। एलिवेशन में जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर बॉटम में बन गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन लगा देते हैं यहाँ पे भी, हाइट का दोनों के बीच में डिस्टेंस दे देते हैं एंड देन पैरामीटर ऐड कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे पैरामीटर हाइट। पैरामीटर्स अप्लाई करने के बाद डायमेंशन हो या फिर आपके एक तरीके से आपकी चाहे मटेरियल वाले पैरामीटर हो, पैरामीट्रिक आप यहाँ पे फैमिलीज बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक फैमिलीज जो है उन्हीं के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं सारा, तो पैरामीट्रिक फैमिलीज ही हम बनाते हैं। काफ़ी बारी हम लोग डाउनलोड करते हैं तब पता नहीं चलता है कि क्या मतलब हमारी कौन सी वाली फैमिली। काफ़ी बारी यहाँ पे ना तो डायमेंशंस होती है ना कुछ और होता है, तो आप यहाँ पे अपना जो मैनेज है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसमें 550 कुछ ऐसा अप्लाई करना चाहूँगी। इसमें थिकनेस पैरामीटर भी आप दे सकते हैं। जैसे इसमें ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगा सकते हैं, थिकनेस पैरामीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे जैसे एक और रेफरेंस प्लेन, दोनों के बीच में थिकनेस पैरामीटर भी अप्लाई हो सकता है, जैसे अगर आपको थिकनेस कम ज़्यादा करनी हो तो। लाइक मैं आपको बता ही देती हूँ, ये लीजिए, सेलेक्ट किया, थिकनेस, ओके राइट। अभी ये बन गया हमारा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे उसके लेग्स बनाने हैं, वो भी क्रॉस लेग्स। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्रिएट में एंड देन एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के अंदर मुझे यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस के ऊपर क्रॉसिंग करनी है, लाइक मैं यहाँ से 200 ले रही हूँ, ओके, एंड यहाँ से भी मैं 200 ही ले रही हूँ। और यहाँ से हम बता देते हैं कि यहाँ पे 200 है। क्रॉसिंग करवाई है मैंने यहाँ। अब इन लाइंस की जरूरत नहीं है मुझे। अब मुझे ऑफसेट लगाना है। ऑफसेट लाइक मैं इसकी जो लेग है वो करीब करीब 30 ऑफसेट लगाना चाहूंगी। इसकी विड्थ जो है वो काफी ज्यादा है, तो हम यूज कर लेते हैं 30 30। ओके, नाउ अभी मेरे को लाइन से इसको मैच करवाना है, तो हम पिक कर लेते हैं लाइन। यहाँ पे स्प्लिट टूल का यूज करते हुए इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं बिकॉज इनकी जरूरत नहीं है। इनको भी स्प्लिट टूल के जरिए हम ट्रिम कर देंगे। Go to trim extend and then trim them and यहाँ पे इनको भी trim कर देते हैं। Okay, now similarly pick this line also and then trim it. Use split tool and then do trim. Okay, अभी देखो ये क्रॉसिंग बन गई है ना हमारी। देन चेक कर दो। चेक करने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि रेफरेंस प्लेन के अंदर कि यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग्स बन गई है। अब लगानी कहाँ पे है उसकी पोजीशन भी आप यहाँ पे बता सकते हो विद रेफरेंस प्लेन्स के थ्रू। यहाँ पे भी एक रेफरेंस प्लेन बना के अपनी क्रॉसिंग्स के बारे में हम बता सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करते हुए देखो इधर उधर ये नहीं हो सकता है बिकॉज मैंने ये फ्रंट प्लेन में बनाया था। अगर मैं साइड प्लेन में बनाती तो ऑब्वियसली हो जाता, बट मुझे इसके लिए दूसरा बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो गुड दिस वन, वेरी गुड, फ्रंट। बैक में चले चलते हैं हम की बारी। नाउ क्रिएट एक्सट्रूजन एंड देन पिक द लाइंस। पिक ही कर लेते हैं, अब की बारी आसान रहेगा बनाना। यहाँ पे चलते हैं एंड देन पिक दीज लाइन्स ऑल्सो एंड देन यूज स्प्लिट एंड ट्रिम टूल टू make this extrusion easy. Okay. अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से परफेक्टली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने इनके ऊपर, जो भी आपकी फैमिलीज हैं उनके ऊपर, तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे बनाने में, आपको भी बहुत मजा आएगा सीखने में, राइट? ओके, नाउ हम आगे चलते हैं. यहाँ पे मैं प्रॉपर बता देती हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई, यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई, एंड देन मैं 3D देखती हूँ तो देखिए ये बन गई हमारी टेबल. एंड देन अगर बात आती है मैम इसके बीच में मुझे ग्लास देना है तो किस तरीके से देंगे, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे वॉइड जो है वो यूज कर लेती हूँ, वॉइड एक्सट्रूजन. एंड मुझे जितना भी आपको यहाँ पे, जैसे मुझे ग्लास लगाना है, लाइक आई जस्ट वांट टू 50 इज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो लाइक दिस, ओके? एंड सिमिलरली फ्रॉम देयर आल्सो एंड फ्रॉम हेयर आल्सो, राइट? एंड देन ट्रिम इट दिस वन एंड ओके. नाउ अब अगर मैं इसको रियलिस्टिक करके देखती हूँ तो ये एक्सट्रूजन हमारा बन तो गया है लेकिन वो लेवल पे बन गया है. तो चलिए इसको एक्सट्रूड हम लोग ऊपर की तरफ कर देते हैं, बिकॉज मैंने इसको बनाते टाइम लेवल को चूज नहीं किया था, मैंने इसका प्लेन जो है वो सेट नहीं किया था, इस वजह से बाय डिफॉल्ट इसी लेवल को लेके बैठा है. अभी क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है इसको, तो कट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, कट का यूज कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे कट हमारा हो गया है. अब इसके बीच में मुझे ग्लास सेट करना है, देन अगेन गो टू एक्सट्रूजन. एक्चुअली एक्सट्रूजन बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है, सारा काम एक चुटकी में सॉल्व कर देती है. सो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, सो सॉरी मैं अगेन भूल गई थी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है. हम इसको वायर फ्रेम सेट करते हुए और इसके बीच में यहाँ पे सेट कर देते हैं. थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसकी जो भी थिकनेस रखना चाहिए यहाँ पे बता सकते हैं आप, ओके? नाउ हम 3D करते हैं. नाउ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे की सारी जो चीजें हैं वो बन गई है. मुझे इसके अंदर जो मटेरियल देना है इन तीनों का सेम देना है, तो चलो इसी बहाने हम लोग यहाँ पे मटेरियल बना देते हैं. टेबल मैट करके मैंने मटेरियल बनाया है. एंड सिमिलरली इसको हमें ग्लास का मटेरियल देना है, तो इसका मैंने पैरामीटर ही अलग बना दिया है और वो है आपका ग्लास. ओके. नाउ हम जाके यहाँ पे चेंज कर देते हैं मटेरियल, जैसे ग्लास को ग्लास मटेरियल दे देते हैं. ग्लास में बना देती हूँ अभी एक सेकेंड में. ग्लास बन गया है. अभी मुझे इसमें वुडन डालना है, तो वुडन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. जैसा चेयर का था मैं वैसा ही कलर्स को देना चाहूँगी, तो वैसा ही मटेरियल मैं यहाँ से चूज कर लेती हूँ. लाइक ये वाला था हमारा बैम्बू डार्क, एंड देन यहाँ पे ओके एंड ये देखो, राइट? अभी ये सारा काम हमारा हो गया है. इसको हम सेव कर लेते हैं. सेव करने के बाद में यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रही हूँ. टेबल वन ओके. टेबल वन में मैंने यहाँ पे ओके किया, एंड देन लोड इनटू द प्रोजेक्ट. मैं प्रोजेक्ट के अंदर लोड करवा देती हूँ. अब मैंने चेयर को और टेबल को दोनों को अलग अलग लोड करवाया है. जैसे मेरे पास में ये फ्लोर है, एंड दिस वन. ये मेरी टेबल तो जो है वो लोड हो चुकी है ना? और अगर मुझे यहाँ पे चेयर भी लोड करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, फिर से चलते हैं हम लोग अपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दिस वन 3D व्यू, एंड लोड इनटू द प्रोजेक्ट. एंड इसमें हम प्रोजेक्ट वन में ही कर देते हैं. स्पेस बार के यूज से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके आप मिरर करा सकते हैं एंड सिमिलरली इसको सेलेक्ट करके इसको भी मिरर करा सकते हैं। उप्स सॉरी, नाउ अब मैं इसका 3D व्यू ओपन करती हूँ तो हम लोग देखते हैं। उप्स सॉरी, इसमें ग्लास जो चेयर का जो मटेरियल है वो इन्होंने शायद ग्लास का पिक कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर आपका बिल्कुल उसी तरीके का डाइनिंग टेबल जो है वो रेडी है जिस तरीके का हमने इमेज के अंदर देखा था, राइट। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप अपना डाइनिंग टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।